हाय क्रिस, मुझे एक स्पेशल लड़का चाहिए, लेकिन वो तुम बिल्कुल नहीं हो। मेरे बॉयफ्रेंड के लिए क्यों चिल्ला रही है? क्रिश, तुम बेस्ट हो। लड़कियों, जितना चाहो चिल्लाओ, क्रिस मेरा बॉयफ्रेंड है। गो गो। हे, रास्ते से हटो, मुझे मिरर में खुद को देखना है। बेवकूफ, क्या तुम पागल हो? क्या हुआ? मैं यहाँ पहले आई थी, मिरर मेरा है। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को चूमना है। हटो जरा, मुझे अपनी बनी को चूमना है। गंदा, तुम्हारे जैसी लड़की को बॉयफ्रेंड मिल गया? हाँ, सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, स्कूल का सबसे हॉट लड़का क्रिस। क्या वो क्रिस बास्केटबॉल प्लेयर है? हाँ, जलन हो रही है। दरअसल वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा? सिर्फ सपनों में। ये पागल हो गई है। नहीं किटी, टीना बस बातें बना रही है। क्रिस को मेरे जैसी स्मार्ट लड़कियाँ पसंद है। बहुत मस्त खेला यार। एक झटके में बजर पर 3 पॉइंट्स। बिल्कुल, मैं प्रो हूँ। प्लीज पास करो यार। हेलो, ग्वेन तो तुझे डेट के लिए बुला रही है। बहुत ही बढ़िया गुरु, मैं रेडी हूँ बेब। अरे वाओ, एक बारी में कितनी लड़कियाँ बटा रहा है भाई। अभी तो हम 3 है। चौथे की जरूरत है। तुम लोग घटिया हो, लड़कियों से झूठ बोलना बुरी बात है। कान खाने में लग रही है, इतनी देर से निकलते के भगाओ। हाँ ठीक है। वैसे भाई, तू सारी लड़कियों को निकनेम से क्यों बुलाता है? ताकि कोई गड़बड़ ना कर दो यार, और किटी को टीना के नाम से ना बुलाओ। हद है, क्रिस वापस क्यों नहीं आ रहा? क्या होगा अगर किटी सच बोल रही हो तो? और वो सच में से डेट कर रहा है। हेलो, हाय स्वीटहार्ट, 20 मिनट में कैफे में मिलते हैं, तुम आ सकते हो? क्या कहा? तो तुम नहीं आ सकते, दोस्तों के साथ हो। ठीक है, तो वो दोस्तों के साथ है, अगर झूठ हुआ तो? तुम सच में बहुत कमाल हो, तुम्हारी टीम पूरी शहर में बेस्ट हो गई है अब। यार, बेस्ट चीयरलीडर को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया बोलने वाला था। अरे नहीं, क्रिस और ग्वेन, या वो सिर्फ बातें कर रहे हैं? तुम स्कूल की सबसे खूबसूरत लौंडिया हो। और स्कूल की खूबसूरत लड़की क्रिश की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। मुझे भ्रम नहीं हुआ है। मैं बिजी हूँ, सच में मैं बिजी हूँ। तुम चाहती क्या हो? क्या तुम सच में क्रिस को डेट कर रही हो? हाँ। वो हम दोनों को धोखा दे रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें बुलाना चाहिए, क्रिस हम दोनों को ग्वेन के साथ धोखा दे रहा है। क्या? हाँ। क्या क्या खिलाड़ी है, उसने हमें धोखा दिया। अब हम क्या करेंगे? रहने दो और उसे भूल जाओ। वो एक वो मैनेजर है, कई लड़कियों के साथ खेलता है। लेकिन वो मुझे ड्रिंक चाहिए। पी लो, पर ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है। उसे ग्वेन से छीनने के बारे में क्या ख्याल है? परेशान क्यों, मैं चीटर्स को डेट नहीं करती। उनका केस मुझे सताता है। क्या तुमने उसे चूमा? बिल्कुल, हम डेट कर रहे थे। तुम्हारे कमरे में? ठीक इसी बिस्तर पर? हाँ। जैसे लोगों को ऐसी धोखे की कीमत चुकानी होगी। उससे मिलना चाहती हो? पक्का नहीं है, लेकिन मैं उसके लॉकर पर लिखूंगी कि वो मूर्ख है। चलो इसे साथ में करते हैं। मेरी बेस्टी।
करके इसके स्कूल लॉकर को बर्बाद कर रहे हैं। इसे कम रखो, इससे पहले हमारा भाना फूटे, जल्दी करो। तुम क्या लिखने वाली हो? कि वो लूजर है। फिर मैं लिखूंगी कि क्रिस एक खूंखार शेर है। क्या तुमने उसके वो डरावने दांत नहीं देखे? जल्दी लिख लो। ओह, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के लॉकर के पास क्या कर रही हो यहाँ पे? ग्वेन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है, तुम्हें भी क्रिस की वजह से काफी सहना पड़ा है। तुम क्या बात कर रही हो? क्रिस एक साथ हम तीनों को डेट कर रहा है। सच में तुम्हें उम्मीद है कि मैं ये सब मान लूंगी? देखो, क्या तुमने कैफे में किस करते हुए हमारी फोटो ली? अरे ये नहीं। अरे नहीं, मेरे पास भी एक है। अरे नहीं, वो धोखेबाज है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कैसे, उसे प्लेयर कहना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, कुछ और करना होगा। तुम्हारा क्या आइडिया है? हाँ, एक ऑप्शन है, चाबी बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लॉकर रूम में होगी। बढ़िया, चलो क्रिस के शॉर्ट्स में कुछ लाल मिर्च डाल दे ताकि वो खेल ना पाए। ध्यान से, सब कुछ गलत कर दोगी। तुमने उसे मिर्ची दी ही क्यों? वो अनाड़ी नहीं है, शेड में सबसे तेज टूल भी नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुमने एक बार केमिस्ट्री में मैटर और लिक्विड मिला दिया था। केमिस्ट्री ट्रिकी हो सकती है। ठीक है, बहुत हुआ, हम यहाँ कुछ करने आए हैं। तुम लोग बास्केटबॉल लॉकर रूम में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओ यार। ये लड़की है क्या? हाँ, क्रिस के शॉट्स के साथ क्या कर रही हो? वो एक साथ हम सबको डेट कर रहा है और हम उसे बदला लेना चाहते हैं। सचमुच? मैं यही सोच रही थी तुम लोग उसे कब पकड़ोगे। तुम्हें इस बारे में पता था? तुम लोगों के अलावा स्कूल में सब लोग जानते हैं। ये तो गड़बड़ है। और तुम हमें नहीं रोकोगी? मैं सोच भी नहीं रही। ठीक है, मस्ती करो। गो, 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 ये! ठीक हो यार। ठीक है। क्रिस, हद है। गो, 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 ये! ये बात तूने कमाल कर दिया। क्रिस काफी शर्मिंदा है। शाबाश है। वाओ क्रिस, तुम कमाल हो। मैंने तो स्कोर भी नहीं किया। फिर भी तुम बहुत अच्छे हो। चुप कर बे। जब सीरियस होते हो तो भी अच्छे लगते हो। लड़कियों, हमने कर दिखाया। अच्छा तो वहाँ पर बॉम्ब फोड़ के मजा तो बहुत आ रहा होगा। मैं और किसकी बात कर रहा हूँ, तेरी कर रहा हूँ, वहाँ पर तो धमाल मचा दिया। वाओ, शायद लोग आखिरकार मुझे नोटिस करेंगे और अब मैं गायब नहीं रहूंगी। हाँ, क्रिस की गलतियों का शुक्रिया, मैं और पॉपुलर हो रही हूँ। यस 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 यस। हमने उसे अपना बदला ले लिया, सबक सिखा दिया। ये बस एक सैंपल है, ये पर्याप्त नहीं है। मेरी माँ हमेशा कहती थी हमें छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, तो जश्न मनाओ मेरे दोस्त। हम दोस्त नहीं है, बहुत हुआ। लड़कियों, शायद मुझे पता है कि हम जब चाहे बास्केटबॉल खिलाड़ियों के रूम में कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमें बदला लेने के प्लान में इवा को शामिल करना होगा, क्या कहती हो? वाह, तुम्हारे पास सच में स्मार्ट आइडिया हो सकते हैं। आखिरकार मैं हीलियम हूँ। जीनियस बेवकूफ। ओ, तुम सब दोस्त हो गए? हमारा एक कॉमन गोल है और तुम इसका हिस्सा बन सकती हो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्रिस की गड़बड़ी की वजह से तुम आज स्टार प्लेयर हो और फाइनली लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। हमारी वजह से, हमने क्रिस पर प्रैंक किया, हमने उस पर मिर्च डाल दी थी। बस टीना, वो जानती है। तो क्या तुम हमेशा के लिए बास्केटबॉल में टॉप प्लेयर बनना चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी ठीक हूँ। कम ऑन, तुमसे कोई नहीं पूछ
बेशक तुम स्टार बनना चाहती हो, सभी चाहते हैं। ठीक है, और फिर क्या? जब भी हम क्रिस से और बदला लेना चाहेंगे तो तुम हमें बास्केटबॉल लॉकर रूम में जाने में मदद करोगी और तुम बेस्ट प्लेयर की उसकी जगह ले लोगी। डील, लेकिन तुम्हें उसकी बड़ी बेइज्जती करने की जरूरत है। तुम अभी जो कर रही हो वो काफी नहीं है। मुझे पता है, सुनो। बधाई हो लड़कियों। क्या बात है, यकीन नहीं आ रहा मुझे, अपने ऐड का चेहरा मुझे बनाएंगे। तुम बहुत गुड लुकिंग हो क्रिस, मैंने अपनी मॉडलिंग एजेंसी में तुम्हारी फोटोज दिखाई और वो तुम्हें तुरंत हायर करना चाहते हैं। वैसे किस ऐड के बारे में बात कर रहे हैं? ये किसी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का है। वाह शानदार। तो देखो। मुझे फंगस हो गया और मैं वेलवेट क्रीम से इलाज कर रहा हूँ। वेलवेट फीट कह सकते हो तुम। क्या मजे चल रहे हैं? फंगस बॉय आ गया। फंगस बॉय आ गया। ये क्या हो गया बे? ये तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का ऐड होने वाला था ना यार। अब पता चल गया कि किसके जूतों में से बदबू आती है। खत्म कर दिया। बधाई हो लड़कियों। टीना तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करती हो। हाँ तुम उतनी बेवकूफ नहीं हो जितना हमने सोचा था। मुझे कम मत समझो, वैसे क्रिस का अब एक नया निकनेम है, बदबूदार स्नीकर्स। क्या तुम लोग खुश हो? हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, क्रिश तो गया। क्या तुम्हें यकीन है? स्कूल की वेबसाइट देखो। शिट, क्या? उसने कहा कि उसने जानबूझकर फंगस से परेशान लोगों के सपोर्ट के लिए एक ऐड बनाया। देखो वो क्या लिख रहा है, अपने हेल्थ इश्यूज पे शर्मिंदा ना हो, बात करें और आपको हेल्प मिलेगी। अरे कमेंट्स पढ़ो। अरे ये क्या, लोग तो उससे और ज्यादा प्यार करने लगे हैं। देखा, क्रिस कोई भी सिचुएशन संभाल सकता है। कोई बात नहीं, आज मेरी उसके साथ डेट है, देखेंगे कि जो मैंने शर्मनाक सिचुएशन क्रिएट की है वो उससे कैसे बचता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। मैं सच में अनाड़ी हूँ। ये गलती से हो गया, सॉरी सॉरी। अरे पगला करे, कुछ नहीं हुआ। ओह सच में बहुत अच्छा हुआ, ये टूटा नहीं। मैंने बोला था ना सब ठीक है यार। तो हम कहाँ पे थे? रुको, एक टेस्ट है तुम्हारे भविष्य की जीत के लिए, बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर के लिए। अजीब टेस्ट है यार। चीज़ पूरा पियो। और अब हम कंटिन्यू करें फिर। क्या हुआ? हाँ सब ठीक है। और नहीं सब पता नहीं यार, कल कंटिन्यू करें क्या फिर हम? ओह लेकिन हमारे अपने प्लान थे, हमें कल पार्क जाना था। हम कल जाएंगे यार, बाय। अरे 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 अरे, पैंट में ही ना हो जाए कहीं। नहीं ये क्या हो गया यार, हद है। यस, अब वो बिना पैंट के घर जाएगा, मुझे इसकी फोटो खींचनी होगी। इस गड़बड़ी को देखो। खैर अब उसके टॉयलेट पेपर पैंट की अफवाह पूरे स्कूल में फैल जाएंगी। ये नया ट्रेंड है क्या? अबे चल बे अपना काम कर। ओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हो गया यार, मैं हेलोवीन के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्रिस, क्या ये मम्मी कॉस्ट्यूम है ना? हाँ, पर हेलोवीन तो पहले ही जा चुकी है। अब मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सीरियसली? हाँ मैं भी कोई वैम्पायर कॉस्ट्यूम पहनना चाहती हूँ। मैं भी मरमेड बनना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें अपनी कॉस्ट्यूम दिखाऊँ तो? हाँ। वो ये कैसे करता है? क्या बकवास है, सच में तुमने पहले कभी हेयर स्टाइल नहीं बनाया? नहीं, मुझे और मेरे बालों को आराम दो।
तो लड़कियों, बुरी खबर है, गुएन फेल हो गई है। वो कहाँ है? वो घर पर दुखी है। जितना हमने सोचा था क्रिस उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला है। तो फिर क्या प्लान है? क्या हम क्रिस को हमें धोखा देने के लिए कोई सबक नहीं सिखाएंगे? तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? क्रिस एक एथलीट है, वो मर्दाना, धूर्त और सबसे बढ़कर बहुत लकी है। बिल्कुल मर्दाना। तुम क्या ढूंढ रही हो? ये बैंडेड? कोई बैंडेड नहीं, ये मेरा लेटेस्ट क्रिएशन है। कमेटी ने इसे अप्रूव नहीं किया, लेकिन फिर भी। ओह कम ऑन, बैंडेड हमेशा से मौजूद है। और उसने तुम्हें अब तक पागल कैसे नहीं बनाया? हमें इसकी आदत है। तो एक डील है, अगर तुम किसी लड़के पर बैंडेड लगाओगे तो वो किसी पागल लड़की की जैसे बर्ताव करेगा। ये अच्छा आइडिया है, बस इसे क्रिस पर लगाना होगा। मैं संभाल लूंगी। ओप्स, सॉरी, मैंने देखा नहीं। तुम ठीक तो हो ना? ओह तुम ठीक तो हो ना? बस छोटी सी खरोंच है। लेकिन कीटाणु जा सकते हैं। लो ये लगाओ, इससे मदद मिलेगी। थैंक यू, हमेशा बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा ठीक है, ला दे। हे दोस्तों। हाय। तुम यहाँ अचानक क्यों आई? टीचर ने बास्केटबॉल प्रैक्टिस का वीडियो बनाने को बोला है। ठीक है, आगे बढ़ो। हद है। आउच, ध्यान से खेल बे, दर्द होता है यार। क्या है बे, ठीक से छुआ तक नहीं है तेरे को? हाँ बस थोड़ा सा, अगर मुझे चोट लग गई तो। ओए, आखिर हुआ क्या है? अच्छा बेटा, अपने मन की बात नहीं बोल सकता? सबको बस क्रिस की गलती दिखती है, लेकिन कोई नहीं जानता मेरे दिल में क्या है। अबे सस्ता नशा किया क्या? नहीं, मेरा कुछ वजन बढ़ गया है, यूनिफॉर्म फिट नहीं आ रही है, और तुम्हें सिर्फ खेलने की परवाह है, मतलब ही हो। पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कहूंगी, लेकिन टीना तुमने वीडियो के साथ शानदार किया। हाँ, हमारे बेवकूफ के बिना ये वीडियो बन ही नहीं पाता। हे, मैं कोई बेवकूफ नहीं। हाँ, लेकिन मेरी बैंडेड काम आई। अब कोई भी लड़की चिड़चिड़े क्रिस के साथ नहीं रहना चाहेगी। क्रिस, मैंने वीडियो देखा, तुम बहुत सेंसिटिव हो। यह अच्छी बात है, तुम अपनी फीलिंग्स दिखाने से नहीं डरते। ये लो, अगर तुम्हें कभी किसी से बात करनी हो तो मुझे कॉल करना। क्रिस, तुम सच में स्ट्रांग हो। मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन के अपने मोमेंट्स हैं। समझ गया मैं, पूरी टीनेज लाइफ की वार्ड लग गई है। हाँ, सही कहा, ये मेरे थेरेपिस्ट का नंबर है, वो उसमें सचमुच बहुत अच्छा है। थैंक यू। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा स्कूल यहाँ है। सीरियसली, क्या तुमने देखा? हद है। पता है ग्वेन, मैंने एक थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया है, उसने सचमुच मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताया है। मुझे बस एक स्पेशल लड़की की जरूरत है, लेकिन ये तुम नहीं हो। क्या तुम यकीन करोगी? उसने मुझे छोड़ दिया। और मुझे भी। दुखद है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे घर को घेरने का फैसला क्यों किया? हम और कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल, हम हमेशा किटी के घर जा रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। लगता है क्रिस ने तुम सबको भी छोड़ दिया है ना? हाँ। और उसने यहाँ तक कहा कि मुझे एक स्पेशल लड़की चाहिए, लेकिन ये तुम नहीं हो। वाओ, उसने तुम सबको एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया। ये फनी नहीं है। हे, मेरे तकिए को मेरे ही घर में फेंकने की हिम्मत मत करना। भूल जाओ टीना, ये बेवकूफ हमें कभी नहीं समझेगी। ये कभी लड़कों के साथ रिश्ते में रही ही नहीं है। दरअसल मैं रही हूँ। हाँ, सच में? क्रिस जैसे किसी के साथ भी? उसके जैसे के साथ भी, और मैंने सबको ठुकरा दिया। क्या? और हम उससे बदला लेना चाहते हैं? ये आइडिया है, क्रिस को ईवा के प्यार में पड़ना होगा और फिर वो उसे छोड़ सकती है। हाँ, उसे महसूस कराते हैं कि कैसा है। तुम्हें लगता है वो इस जैसे के प्यार में पड़ेगा? हाँ, हमें इसका मेकओवर करना होगा। वो 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 वो, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं हूँ, ठीक है? तुमने कहा था ना तुम हमारी मदद करोगी। अरे ए, ओए, अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नए कपड़ों की शॉपिंग। मुझे ये सब पहनने में अजीब लग रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये इम्प्रेसिव होना चाहिए।
था तो मुझे उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए? कॉन्फिडेंट वुमेन की तरह। तुमने पहले भी ऐसे लोगों को डेट किया है, याद है ना? हाँ किया है। तो वैसा बर्ताव करना जैसे दूसरों के साथ करती हो। क्रिश आ गया, जाओ तुम्हारा टाइम है। और ये कौन है? ईवा, तुम्हारे बास्केटबॉल प्लेयर टीम की एक प्लेयर। ये ईवा है, कांटा पीस है। हाँ, तुमने हमेशा उसे स्पोर्ट्स कपड़ों में देखा है, इसीलिए ना। हाँ, बड़ी पूरी है, इसका नंबर दिलवा दे यार। वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, वो सबको ठुकरा देती है। अरे हमसे तो पटी जाएगी। कैसा रहा? उसने कहा तुम कमाल हो और वो तुम्हारा नंबर चाहता है। क्या? नहीं, पीछे मुड़कर मत देखो। क्या उसने सचमुच ऐसा कहा? कमाल हो गया। हाँ हाँ, चलो पहले चलते हैं। तो क्या इसने काम करा? आओ यहाँ बैठ जाओ। वो इसका नंबर चाहता है। उसने कहा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्रश क्रिस ने कहा मैं खूबसूरत हूँ। क्या लड़कियों, लगता है जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, आप क्या कह रहे हो? आओ यहाँ बैठ जाओ। क्या तुम पहले वाकई लड़कों को डेट कर चुके हो? हाँ, मेरा मतलब नहीं। सीरियसली? ऐसा कैसे हुआ? अरे ये सब गड़बड़ कर देगी। मैंने 2 दिनों तक एक लड़की से चैट की, क्या ये माना जाएगा? नहीं। अरे तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे नहीं पता, मुझे बोलने में शर्म आ रही थी। तो अब हम क्या करें? हे भगवान! तो ये कैसा रहा? ये क्रिस ने भेजा है, वो मुझे 6 बजे डेट पे बुला रहा है। वो पक्का इस पर फिदा है, ये हमारा मौका है। तो फिर हमें ईवा को सब सिखाना होगा। प्लान पर फिर से काम करना होगा। अच्छा, पर मुझे इतना क्यों पढ़ना है? तुम्हें याद करना होगा कि क्या करना है, ये सब क्रिस की चाले हैं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, इस बार मौका मत चूकना। तुम्हें क्रिस को पटाने में बस इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, और ईवा हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे बाल अच्छे दिखें। क्या कैमरा तैयार है? हाँ। कैमरे की जरूरत क्यों है? तो हम देख सकते हैं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और मदद भी करेंगे। कैसे? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। हम तुम्हें कॉल करेंगे। क्रिस का कॉल है। मैं क्या करूं? ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम उसे जानती ही नहीं हो। और डेट के बारे में भूल गई। ठीक है। हेलो ईवा, हेलो, क्या तुम तैयार हो? किस लिए तैयार और तुम कौन हो? अरे मैं क्रिस हूँ, हम बास्केटबॉल टीम में एक साथ है ना। सॉरी, मैंने तुम्हारा नंबर सेव नहीं किया ना। ठीक है, फिर मैंने फ्लावर्स भेजे और 6 बजे का इन्विटेशन भेजा है, इंतजार करूंगा। सच में मैंने नोट पर ध्यान नहीं दिया। बढ़िया है, फिर तो इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा भूलने के हाथ में। नहीं, तुम लकी हो, मेरी शाम फ्री है तो हाँ हम जा सकते हैं। बढ़िया है, मिलते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है, बाय। समझ गई, अब कहना कि तुम्हें एक लड़की की जरूरत है लेकिन वो क्रिश नहीं है। क्यों? क्या हमने तुम्हें नहीं बताया? हम इस पर पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं कि हमने उसे तुम्हारे प्यार में कैसे फंसाया। और हम इसे उसके बर्थडे की पार्टी में दिखाएंगे जहाँ तुम उसे उससे सबके सामने छोड़ोगी। हम सभी लड़कियों का बदला लेंगे उससे। ग्रेट आइडिया। हाय क्रिस, मुझे एक स्पेशल लड़का चाहिए लेकिन वो तुम बिल्कुल नहीं हो। hey, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं असल में झिझक रही थी कि आऊं या नहीं। क्यों? क्योंकि सारे लड़के बोरिंग हैं और उनके साथ डेट्स एक जैसी है। हाँ, सही है। यकीन कर, साढ़े नाल रहेगी ते ऐश करेगी। ओह वाओ, अरे ये नहीं होना चाहिए था। ये अच्छा है लेकिन मैंने काफी सरप्राइजेस देखे हैं। ये थोड़ा खिसा पिटा है। ओह हाँ, वो संभाल रही है। दूसरी डेट पे तो मैं तुझे किले दिखा दूंगा। तुम्हें लगता है दूसरी डेट होगी? आज का डिनर तो कर लो, बिल्कुल होगी। ओह वाओ, ये मेरे फेवरेट बर्गर्स है,
तुम्हें कैसे पता चला? इसे तेरी आंखों में पढ़ लिया मैंने। अरे नहीं, वो घबरा रही है। चिंता मत करो टीना, वो अभी रुकी हुई है। चल पूरा चाम ले फिर। शुक्रिया। ठीक है, बिना कुछ हुए वो कितनी देर खा सकते हैं? ओह खत्म। कसम से मुझे भी मजा आ गया यार। ओके, शुक्रिया क्रिस, ये बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा घर जाने का टाइम हो गया। मैं तुझे छोड़ दूंगा बता। ठीक है, चलते हैं। अरे हमने उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। ये प्लान से अलग है। अंदर घुस। अरे तेरा बताओ, मुझे लगता है मेरा फोन कैफे में छूट गया। तू जरा बैठ, मैं अभी बस एक मिनट में आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब क्रिश तुम्हें घर ले जा रहा है, वो पक्का किसके लिए कहेगा तुमसे, समझी? क्या, मैंने पहले कभी किसी को नहीं चूमा। अरे नहीं, फिर मैं ये तुम्हें कैसे सिखाऊं? हाँ, हद है, क्रिश आ रहा है, हम तो गए। हाँ, उसे किस्मत करना। पता है मेरा फोन टेबल पे छूट गया था। सब ठीक तो है? हाँ, चलो चले। क्या बकवास है, देख लिया, वो धोखेबाज है। उम्मीद है क्रिस के देखने से वो पहले भागने में कामयाब हो जाएगी। ये लो बेटे, हम पहुंच गए। हाँ, हम घर पहुंच गए। हे, क्या तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ सकते हो? वो पड़ोसी का कुत्ता इधर उधर भाग रहा है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। बस इतना ही। शानदार शाम के लिए शुक्रिया। हाँ वैसे पता है, इस टाइम में लड़कियों की चुम्मी लेता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना चाहता, तो बाद में। चांस लेने की तो बात है, अगली बार मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ तो मिलते हैं। कल रात तुम्हारी वो डेट कुछ और ही थी। और ईवा ने क्रिस को गेंद से डिस्ट्रैक्ट करने का अच्छा काम किया है। तुम्हें उसका चेहरा देखने जैसा था, लगता है वो सच में मुझे प्यार करने लगा है। हाँ, हम बिल्कुल यही चाहते हैं। अच्छा सुनो, शायद वो इतना बुरा नहीं है, हमें बदला नहीं लेना चाहिए। क्या? तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई? वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। सीरियसली? जागो, वो अभी भी वही बुरा क्रिस है। और लड़कियाँ उसके लिए सिर्फ खिलौने हैं, जिससे वो जब चाहे खेल सकता है। देखो ग्वेन को स्कूल में क्या मिला। हाँ, अबे ईवा के साथ में टांका भिड़ा क्या तेरा? वो असल में हमारी लड़की नहीं है। क्या, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, वो दोबारा मिलूंगा, चुम्मा चाटी करूंगा, छोड़ दूंगा। इसी की तो बात कर रहे थे। हद है, देख लिया, वो धोखेबाज है। तुम सचमुच कुछ और हो क्रिस। ठीक है, हमने तुम्हें ईमेल किया है। वो असल में हमारी लड़की। ईवा, हाय। हाय ईवा। सीरियसली, चले जाओ। अरे क्या हो गया है, कल तो चुम्मी देके गई थी, सच में हम एक दूसरे को चाहने लग गए थे। सचमुच? तो क्या मैं बाकी सबकी तरह एक और जीत नहीं हूँ? तुम कहाँ, रुको, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में सब किसने भरा, लेकिन हाँ, मैंने लड़कों को बताया था। ईमानदारी के लिए शुक्रिया, बात खत्म हो गई। रुको, मैंने बस यूं ही बोला था यार, अक्सर ऐसी बातें करता हूँ जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे लिए गिर गए? अरे हाँ, मैं से साबित कर दूंगा। ये देखो, ये एक ताबीज है जिससे मैं सोचा था शादी करूंगा, उसकी कलाई बांधूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ, और सबको बता दो मुझे ईवा से प्यार हो गया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे वाह, ये तो क्रिस का ब्रेसलेट है। हाँ लड़कियों, हमने कर दिखाया। हमने लगभग उसे ससा ही लिया। हम आज ही उसकी बर्थडे पार्टी में अपना वीडियो चलाएंगे और ईवा सबके सामने उस क्रिस को छोड़ देगी। हे, पता है ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है,
तुम क्या कर रही हो? मैं उसे सबक सिखाने गई थी क्योंकि उसने लड़कियों को धोखा दिया था, लेकिन अब मैं भी उसके साथ बिल्कुल वही चीज कर रही हूँ ना। क्या तुम हार मान रही हो? ये आखिरी रात है, कम ऑन। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं अपनी जैसी नहीं रहूँगी। मैं मतलब ही नहीं हूँ, मैं इससे बाहर हूँ। सॉरी लड़कियों। क्या बकवास है? ठीक है लड़कियों, मैं चेयर लीडर हूँ और चेयर लीडर्स हार नहीं मानती। हम अब भी पार्टी में अपना वीडियो चलाएंगे और क्रिश को शर्मिंदा करेंगे। हाँ। अरे हाँ, लगभग पूरा स्कूल यही है। ठीक है, हमें डीजे से हमारा वीडियो चलाने के लिए कहना होगा। हे डैन, हमारे पास क्रिश के लिए बर्थडे ग्रीटिंग्स है, क्या तुम प्ले कर सकते हो? अरे नहीं, ये लोग तो वीडियो चलाने जा रहे हैं। ईवा, आखिरकार तुमने क्या दिखाया? आओ चलना से। हमने तुम्हें ईमेल किया है। हाँ अभी करता हूँ, कोई बात नहीं। ए दोस्तों जरा सुनो, हमारे हैंडसम से बास्केटबॉल प्लेयर के लिए ग्रीटिंग आई है। से नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ और सबको बता दो मुझे ईवा से प्यार हो गया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाय क्रिस, मुझे एक स्पेशल लड़का चाहिए, लेकिन वो तुम बिल्कुल नहीं हो। ईवा, इसका क्या मतलब है? माफ करना, पूरे समय मैं दिखावा कर रही थी। मैं तुम्हें जानबूझकर डेट कर रही थी। हमने तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए ये सब किया। हम? हाँ, समझ गया। खैर, तुम कामयाब रही, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। माफ करना, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तुम्हें पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने कुछ और होने का नाटक किया, ये असली मैं हूँ। अब तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं दयालु हूँ और ईवा। क्या? हे, तुमने पूरी पार्टी की माँ बहन कर दी। तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने पार्टी की माँ बहन कर दी। हे, वो झूठ बोल रही है, हम सब ने झूठ बोला। तो अपनी टोपी ले लो। हाँ। हे, रुको यार, वो सही है। मैंने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है, उनके संग चुम्मा चाटी की है, और ये सही भी नहीं है। वैसे स्कूल की बेहतरीन लड़कियों को पटाने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें वैसे कुछ भी गलत नहीं है। क्रिस, इसकी माँ का छोड़ो, साले को। तो स्कूल की लेजेंड जिंदगी कैसी है? हाँ, लेजेंड? तो तुम इकलौती लड़की हो जिससे क्रिस को प्यार हुआ। वैसे उसने वादा किया था कि अब लड़कियों को धोखा नहीं देगा। हाँ, मैं तो गदर रिश्ते निभाता हूँ। तुझे मिलना है? हाँ मिलाता हूँ। ये मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है, एलिस। एलिस, डेटिंग शेड्यूल की बात करें। तो वैसा बर्ताव करो जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? के लिए शुक्रिया। ईवा, क्या क्या बोल रहे हैं? अब तीनों एक साथ में। हे, बढ़िया काम। हाय हाय। हाँ, ऐसे। हाँ, सब लोग डांस करेंगे।